हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको जुलाई की टॉप 3 वैकेंसीज के बारे में बताऊंगी, वो भी कम्प्लीटली पोस्ट नेम से लेकर आपका अप्लाई मूड तक। अगर जो आप इन वैकेंसियों में इंटरेस्टेड हैं या इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आरआरसी की फुल फॉर्म है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जो आपकी वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट नेम आपका है एक्ट अप्रेंटिस। ऑनलाइन डेट 2 जुलाई, यानी आपके फॉर्म 2 जुलाई से भरना शुरू हो गए हैं। और कब तक भरे जाएंगे? तो ये 1 अगस्त 2022 तक भरे जाएंगे। और आपकी लास्ट डेट फीस पे करने की वही है जो आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास एंड ITI के माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम आपकी 15 इयर्स एंड मैक्सिमम 24 इयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 100 रुपये, SC एंड ST PWD एंड ऑल कैटेगरी जैसे फीमेल, इसकी कोई भी फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है वो मैट्रिक होगा, नो एग्ज़ाम इसमें आपका। जॉब लोकेशन आपकी UP ऑल इंडिया की है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी हैं वो है 1664। पे स्केल आपका है एस पेर अप्रेंटिस रूल्स। अप्लाई मोड जो आपका ये ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट जो आपकी दूसरी वैकेंसी है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेल की तरफ से जो आपकी आई हुई है रिक्रूटमेंट 2022, इसमें जो आपके पोस्ट का नेम है वो है वर्क असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एंड ड्राइवर। इसमें आपकी 3 पोस्ट हैं, जैसे वर्क असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ड्राइवर। ऑनलाइन डेट जो आपकी है वो 1 जुलाई 2022 से शुरू हो गई है। और कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे? 31 जुलाई 2022 तक। और आपकी फीस पे करने की लास्ट डेट वही है जो आपके एग्ज़ाम की लास्ट डेट है। और क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 10th पास होनी चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 27 इयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 100 रुपये, SC एंड ST ऑल कैटेगरी जैसे फीमेल, इसकी कोई भी फीस नहीं है। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, प्री टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, एडवांस टेस्ट होगा। और ये वैकेंसी जो आपकी है ये ऑल ऑफ इंडिया के लिए, यानी आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही। टोटल वैकेंसी जो आपकी इसमें 89 हैं। संख्या को देखकर ज़्यादातर कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जो भी इसके लिए अप्लाई करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। और जो इसमें आपका पे स्केल है, यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो वर्क असिस्टेंट ए पोस्ट इसमें आपके 18,000 सैलरी और ड्राइवर की 19,900 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की 25,500। और जो अप्लाई मून आपका ऑनलाइन होगा। अब आपकी थर्ड यानी आखिरी जो तीसरी आपकी जो वैकेंसी कोल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से आई हुई है, इसके जो पोस्ट नेम है मेजरमेंट और ऑनलाइन जो आपकी डेट है ये 8 जुलाई 2022 है, यानी अभी ये फॉर्म आपके भरना शुरू नहीं हुए हैं। और जो आपकी लास्ट डेट है 7 अगस्त 2022 को आपकी लास्ट डेट है फीस पे करने की, और लास्ट डेट आपकी फॉर्म अप्लाई करने की भी 7 अगस्त 2022 है। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपकी डिग्री PG डिग्री, PG डिप्लोमा डिग्री से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट के 1180 रुपए है। 80 SC एंड ST PWD ESM कैंडिडेट की कोई भी फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है CBT के माध्यम से होगा। और जो आपकी ये वैकेंसी है ये ऑल ऑफ इंडिया के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आपकी है वो है 481। और पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ रहने वाली है। और जो अप्लाई मोड आपका है वो ऑनलाइन होगा। अगर जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं या इन वैकेंसियों में इंटरेस्टेड हैं तो वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। ऐसे ही गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।